Hey, hi and hello guys, welcome back to this channel. और सबसे पहले तो सबसे बड़ा वाला sorry guys, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ. क्या है ना कि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, मेरे को खुद को ना मनाना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए. उसका मेरे को ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए एक दिन लगता है और एडिटिंग के लिए दो दिन लग जाते हैं. मतलब कि 10 मिनट की वीडियो की एडिटिंग के लिए मेरे को दो दिन लग जाते हैं. मतलब मेरी स्पीड बहुत ही स्लो है अभी फ़िलहाल, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लो गाइस और चलते हैं वीडियो की तरफ. तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय कोच का एपिसोड नंबर 5. तो उससे पहले आप एपिसोड 1 से लेके 4 तक ना, जो मेरी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाकर वहाँ से देख लो. और विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन. एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम उसी लड़की को देखते हैं जिसको हम लोगों ने एपिसोड 4 की एंडिंग में देखा था. इस लड़की का नाम है गायोल. इसके नेम की स्पेलिंग है GAEL, बट इसका प्रोनाउंसिएशन गायोल है, तो हम इसे गायोल बुलाएंगे. वेल, जॉन यू को गायोल से इंट्रोड्यूस करा रहा होता है और गायोल से पूछ रहा होता है कि उसे जिन्ना कैसी लगी. तो वो बोलता है कि मुझे वो अच्छी लगी और वो सामने से तो और भी ज़्यादा सुंदर है. उसके बाद फिर जॉन बोलता है कि तुम्हें पता है ना हमारा प्लान क्या है, तो गायोल बोलता है कि हाँ. उसके बाद फिर जॉन कहता है कि हमें उस प्लान के हिसाब से उसको रेड हैंडेड पकड़ना है, मतलब उसकी पिक्चर्स चाहिए हमें रेड हैंडेड, तो हमें उसकी पिक्चर्स क्लिक करनी होंगी. तो गायल बोलता है कि मैं तुम्हें नेक्स्ट डेट और टाइम बता दूंगा, और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है. नेक्स्ट सीन में हम जिन्हा को क्लब में देखते हैं. वो एक क्लब में बैठी हुई होती है, वहाँ पर गायल भी आता है और बोलता है व्हाट अ कोइंसिडेंस, मतलब कि वो वहाँ पे जानबूझकर गया हुआ होता है, बट ऐसे शो कर रहा होता है कि वो वहाँ पर आया हुआ होता है और जिन्हा से मिल गया होता है कोइंसिडेंसली. उसके बाद वो जिन्हा से पूछता है क्या वो वहाँ पर बैठ सकता है. जिन्हा बोलती है कि हाँ तुम यहाँ पर बैठ सकते हो. उसके बाद फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जॉन और यू भी उन्हें छुपकर स्पाई कर रहे होते हैं, उनकी पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं. उसके बाद फिर जो गायोल है वो जिन्हा से बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा फ़ोन ले सकता हूँ. तो जिन्हा बोलती है कि क्यों, तुम्हें मेरा फ़ोन क्यों चाहिए. तो वो बोलता है कि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है, तो मुझे तुम्हारा फ़ोन यूज़ करना है. उसके बाद जिन्हा भी उसे अपना फ़ोन दे देती है. और दूसरे साइड जॉन और यू को जो सिक्योरिटी गार्ड है पकड़ लेता है, बोलता है कि यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करना अलाउड नहीं है, तो तुम लोग यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक नहीं कर सकते हो. तो जॉन झूठ बोलता है कि हम यहाँ पर कॉलेज का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं. तो उसके बाद फिर उनको वो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि तुम्हें कोई नॉलेज की जगह लग रही है, तो तुम यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो और यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करना अलाउड नहीं है. अगर तुम आगे से यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करते हुए पाए गए तो मैं तुम्हारा SD कार्ड ले लूँगा. उसके बाद वहाँ से चला जाता है. गायोल जिन्हा को उसका फ़ोन वापस करता है और बोलता है कि ये लो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर. तो जिन्हा उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट करूँगी. तो गायोल बोलता है कि ये मैटर नहीं करता है कि तुम क्या सोचती हो, बल्कि ये क्वेश्चन मैटर करता है कि क्या तुम मेरे लिए भी वही सेम फील करती हो जैसा मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ. तो जिन्हा उसे कहती है कि यू आर राइट. फिर उतने में ही वो जो DJ वो है म्यूज़िक थोड़ा तेज़ करता है. तो उसके बाद गायोल उसे कहता है कि क्या हम डांस कर सकते हैं. तो जिन्हा बोलती है कि हाँ हम डांस कर सकते हैं. उसके बाद फिर वो लोग जाते हैं डांस करने के लिए. तो यू और जॉन भी सेल्फी लेने का प्रिटेंड कर रहे होते हैं, बट वो लोग पीछे इन दोनों के साथ पिक्चर्स क्लिक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो लोग डांस करते हुए ऐसा कुछ करने वाले ही होते हैं कि आप खुद ही देख लो क्या आ जाता है. इसके बाद हमारे बॉब का रिएक्शन देखने लायक होता है. वेल, फिर बॉब जो है वो गायोल से कहता है कि अब हमें वहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे जिन्हा को कुछ काम है. उसके बाद फिर जिन्हा भी गायोल को बाय कहती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं. फिर बॉब साइड में जाकर जिन्हा से कहता है कि तुम कर क्या रही थी उसके साथ. तो जिन्हा बोलती है कि कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ ना, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं. फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं. फिर हम देखते हैं कि जिन्हा गायोल को टेक्स्ट करने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि वो देखती है कि बॉब सो रहा है इस टाइम. तो वो जो है वो गायोल को टेक्स्ट करने की कोशिश करती है. वो उसमें लिखती है कि क्या तुम मंडे को फ्री हो. उसके बाद फिर बॉब नींद में बोलता है व्हाट आर यू डूइंग. तो वो उसे पीछे पलट कर देखती है और देखती है कि वो नींद में बात कर रहा है. उसके बाद पता नहीं क्या होता है, वो टेक्स्ट को वापस से मिटा देती है और फिर फोन को रख देती है. नेक्स्ट डे जिन्हा टीम से बोलती है कि जाओ और जाकर पानी में रिलैक्स करो, मतलब कि मस्ती करो, जो भी तुम्हें करना है वो करो. तो सब लोग पानी में मस्ती कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं. बुली बॉय और यू भी साथ में खेल रहे होते हैं. इन दोनों को साथ में खेलते हुए देखकर बॉब जिन्हा से कहता है कि तुम्हें लगता नहीं कि इन दोनों के बीच में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है. जिन्हा बोलती है कि तुम ऐसे ही बोल रहे होगे, इन दोनों तो दोस्त लग रहे हैं साथ में खेलते हुए, तो तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो बॉब. और वो ऐसा बोलकर उसे इग्नोर कर देती है. वेल, फिर हम आगे देखते हैं कि जिराट अपनी कार में प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो जिन्हा को मतलब डेट के लिए कैसे पूछेगा, क्योंकि वो टेंपल फेस्टिवल में जिन्हा को अपने साथ लेकर जाना चाहता है. इसलिए वो प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो जिन्हा को कैसे डेट के लिए पूछेगा. तो उसके बाद फिर वो उतना प्रैक्टिस कर ही रहा होता है कि पीछे से वो जिन्हा और गायल को बाइक में आते हुए देखता है और वो जेलस होकर उनके साइड उनसे बात करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है. जिन्हा जिराट को हेलो बोलती है. फिर जिराट उससे कहता है कि क्या तुम एक्सरसाइज कर रही थी. जिन्हा बोलती है कि हाँ मैं एक्सरसाइज कर रही थी. उसके बाद जो जिराट है वो गायल की तरफ देखने लगता है. तो जिन्हा उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है और गायल को भी बताती है कि जिराट वो कलीग्स हैं और जिन्हा इनके ही स्कूल में एज अ कोच काम करती है. वेल, गायल भी उसके बाद जिराट से हाथ मिलाता है. उसके बाद जिन्हा उसे बताती है कि मैंने किसी काम के सिलसिले से बात करने के लिए जिराट को यहाँ पर बुलाया है क्योंकि इवनिंग में हमारा एक मैच होने वाला है. तो मैच के बारे में सुनकर गायल भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है. तो जिन्हा उससे बोलती है क्या तुम मैच के लिए आओगे. तो बोलता
कहता है कि हाँ मैं मैच देखने के लिए आऊँगा क्योंकि मैं आज शाम को फ्री हूँ। उसके बाद पीछे से जो है टेम्पल फेस्टिवल का अनाउंसमेंट हो रहा होता है, तो अनाउंसमेंट को देख कर जिना काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, बोलती है कि मेरा तो बहुत ही मन है यहाँ पर जाने का लेकिन मेरे यहाँ जाने के लिए कोई भी नहीं है। तो गायल बोलता है कि ओ सो सॉरी, क्योंकि मैं भी मंडे को बिज़ी रहूँगा, मैं फ्री नहीं रहूँगा। तो जिना उसे बोलती कि हम काश साथ में जाते। ये सब देख कर जिराट काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। एट दी एंड गायल जिन्हा और जिराट को बोलता है कि अब तुम दोनों डिस्कस करो आज की शाम के मैच के बारे में, तब तक के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ, और वो दोनों को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर सब लोग स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहे होते हैं। जिन्हा सबको बोल रही होती है कि मैच से पहले स्ट्रेचिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो। उतने में ही बॉब जिन्हा से बोलता है कि तुमने गायल को क्यों इनवाइट किया, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? जिराट काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहा है गायल से। तो जिन्हा बोलती है कि मुझे टीम में फोकस करने दो, और वो बॉब को इग्नोर कर देती है और टीम को बोलती है कि तुम लोग उठो, अब तुम लोग मैच के लिए रेडी हो। यहाँ पर बॉब एक प्लेयर से बोलता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तो वो बोलता है कि मैं बॉल्स को किक करने के लिए जा रहा हूँ, मैं अपनी टीम को प्राउड फील कराऊंगा। तो बॉब बोलता है कि तुम सब्स्टिट्यूट हो, चुपचाप साइड में खड़े रहो। फिर जिराट नोटिस कर लेता है कि गायल ने टीम की टी शर्ट पहनी है, तो उससे बोलता है कि ये हमारी टीम की टी शर्ट है, ये तुम्हें किसने दी? तो गायल कहता है कि मुझे जिना ने दी, क्योंकि मैं चेयर करने के लिए आ रहा था। तो यहाँ पर भी जिराट थोड़ा सा जेलस हो जाता है। फिर टीम मैच खेलती है और वो मैच जीत भी जाती है। वेल यहाँ पर जिन्हा काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, जिराट भी उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, पर इनके बीच में गायल आके खड़ा आता है और वो भी जिन्हा को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा होता है। यहाँ पर भी जिराट को काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होने लग जाता है। वेल यहाँ पर डायरेक्टर को भी जिराट की जेलेसी नोटिस हो जाती है। तो फिर वो रात को जब जिराट अकेला बैठा हुआ होता है ग्राउंड में, तब डायरेक्टर्स के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें इस बात की जेलेसी है ना, क्योंकि जिन्हा और वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो जिराट बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तो बोलता है कि मैंने देख लिया है कि तुम जिन्हा के लिए कैसा फील करते हो। तो जिराट बोलता है क्या ये इतना ऑब्वियस है, मतलब कि ये इतना नोटिसेबल था क्या कि आपने भी ये सब नोटिस कर लिया? तो वो हंसते हैं। उसके बाद वो जिराट से कहते हैं कि तुम ट्राई करते रहना, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है ना वो लड़का भी कितना ट्राई कर रहा है, अगर एक बार जिन्हा ने उसे हाँ बोल दिया तो तुम्हारे सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हें ट्राई करते रहना चाहिए, मैं तुम्हारी साइड हूँ। इतना बोलकर डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जिराट भी प्रैक्टिस देखने के लिए आया हुआ होता है। जिन्हा बॉब को जाकर बोलती है कि जिराट भी प्रैक्टिस देखने के लिए आया हुआ है, मेरी ब्यूटी उसे यहाँ तक खींच कर ले आई है, और वो खुश हो रही होती है। उतने में गायल भी आता है और जिन्हा को हेलो बोलता है, जिन्हा भी उसे हेलो बोलती है, और जिराट यहाँ पर भी जेलस हो रहा होता है। गायल जो है जिराट को टॉन्ट मारने के लिए उसे बोलता है कि स्पॉन्सर वाले लोग भी टीम में इतना ध्यान देते हैं क्या, मैंने तो आज तक कभी भी नहीं देखा। तो जिराट उसे बोलता है कि मुझे तो ऑड बात ये लग रही है कि स्ट्रेंजर जिससे हमारी टीम का कोई भी लेना देना नहीं है कभी भी यहाँ पे आ टपकता है। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को टॉन्ट मार ही रहे होते हैं कि वहाँ पर बॉब गिर जाता है, और फिर वो लोग जाते हैं देखने के लिए कि बॉब को चोट वोट कहाँ पर, पैर में चोट आई हुई है। फिर बॉब को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जिराट हॉस्पिटल में बात करने के बाद जिन्हा पूरी टीम से बोलता है कि बॉब अब सही है, उसकी एक्सरे रिपोर्ट आ चुकी है और उसके हिसाब से कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, पर उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो खान पूरी टीम से बोलता है कि हमारे मैच को सिर्फ 2 दिन रह गए और हम क्या करेंगे। तो जो जॉन है वो खड़ा होता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि गायल हमारा कोच असिस्टेंट बने, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। तो जिराट बोलता है कि क्यों, गायल क्यों बनेगा, क्योंकि उसके अपने भी तो काम है, वो हमारी मदद क्यों करेगा। तो गायल जिन्हा के पास आता है और बोलता है कि अगर तुम चाहती हो मैं कोच असिस्टेंट बनूँ तो मैं कोच असिस्टेंट बन जाऊँगा। जिन्हा बोलती है कि ठीक है तुम कोच असिस्टेंट बन जाओ। तो फिर हमें 2 दिन बाद वाले मैच का सीन दिखाया जा रहा होता है। जिन्हा काफ़ी ज़्यादा फोकस होकर मैच को देख रही होती है, पर गायल पीछे से आता है और जिन्हा से बोलता है कि मैं मंडे को फ्री रहूँगा तो हम टेंपल फेस्टिवल में चलेंगे। तो जिन्हा उसकी बात को इग्नोर करती है, बोलती है कि मुझे मैच में फोकस करने दो, मुझे मैच देखने दो। उसके बाद जिराट भी खुश हो रहा होता है ये सब देख करके, क्योंकि वो पहली बार तो खुश हो रहा होता है क्योंकि उसने गायल को इग्नोर किया होता है, तो इस बात से जिराट भी खुश हो रहा होता है। वेल फिर पहला स्कोर दूसरी टीम कर लेती है, तो जिन्हा अपनी टीम को बुलाकर उनको चेयर करती है काफ़ी ज़्यादा, उनको मतलब मोटिवेट करती है कि हम जीत सकते हैं और हम अच्छे से कर सकते हैं। तो उनकी टीम फिर वापस जाती है और अच्छे से खेलती है और उस टीम से जीत जाती है। और उसके बाद जिन्हा और जिराट काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, वो एक दूसरे को हग भी करते हैं। यहाँ पर जिराट मौके का फ़ायदा उठाकर जिन्हा से पूछ ही लेता है क्या वो मंडे को फेस्टिवल में उसके यहाँ चलेगी। तो जिन्हा बोलती है कि नहीं, क्योंकि गायल ने मुझसे पहले ही पूछ लिया है। तो जिराट को बुरा लग रहा होता है पर वो शो नहीं करता है कि उसे बुरा लग रहा है। वेल फिर टीम जिन्हा और गायल और जिराट को भी पिक्चर के लिए बुलाती है, टीम पिक्चर्स के लिए। तो जिन्हा और गायल तो जाते हैं बट जो जिराट है वो नहीं जाता है पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए। बाद में बॉब जिन्हा को चिल्ला रहा होता है कि तुमने गायल को ऐसा असिस्टेंट क्यों चुना, क्योंकि तुम्हें पता है ना जिराट काफ़ी ज़्यादा उससे जेलस हो रहा है आजकल। तो जिन्हा बोलती है कि मेरे टीम का ही तो हिस्सा है, मुझे पता है कि जॉन ने उसको मेरे पीछे इसलिए भेजा था ताकि वो मेरे को मतलब फंसा सके, पर मैं उसका फ़ायदा इस पर उठा रही हूँ कि मैं जिराट को जेलस फील करा रही हूँ, और तुम्हें पता है ये बात काम भी कर रही है। तो ये सुनकर बॉब खुश होता है, पर बॉब की खुशी सिर्फ वहीं तक टिकी होती है जब जिन्हा उसे बोलती है कि मैंने जिराट को टेंपल फेस्टिवल के लिए मना कर दिया है। तो बॉब का मुंह उतर जाता है, वो कहता है कि तुमने उसके हाथ ऐसा क्यों किया यार, वो बेचारा तुम्हें पूछ रहा था और तुमने उसे मना कर दिया। तो जिन्हा उसे बोलती है यही तो मेरे प्लान का हिस्सा है बॉब,
और मैं अपना प्लान अच्छे से खेल रही हूँ। उसके बाद हम जॉन और गायल को देखते हैं जो आपस में प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं। जॉन उसे बोलता है कि मुझे अच्छी अच्छी पिक्चर्स चाहिए आज के टेम्पल फेस्टिवल की, ताकि मैं जिना को फंसा पाऊँ। तो वो उससे कहता है कि आज रात जिना मेरी है, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हा और गायल टेम्पल फेस्टिवल में गए हुए होते हैं, जहाँ पर जिना काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही होती है। तो गायल उससे बोलता है कि तुम सैड लग रही हो, कोई बात है क्या? अगर कोई बात है तो मुझे बता दो। तो जिना बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं है, बस मैं थक गई हूँ। तो गायल बोलता है कि चलो हम कोई जगह ढूंढते हैं रिलैक्स करने के लिए। तो जिना बोलती है कि इससे अच्छा मैं अपने घर चले जाऊँ, क्योंकि मैं अपने तकिए को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो गायल उससे मना ही लेता है, क्योंकि वो उससे झूठ बोलता है कि आज मेरा बर्थडे है, तो अब तुम मेरे बर्थडे में भी मेरे हाथ नहीं रुकोगी क्या? तो जिना उसके हाथ रुक जाती है, उसकी बात मान जाती है। गायल जानबूझ कर जिना को काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक पिला देता है, ताकि जिना नशे में हो जाए और उसे कुछ भी समझ में नहीं आए। ऐसा ही होता है, जिना बेहोश हो जाती है। गायल उसके हाथ कुछ गलत करने ही वाला होता है कि जॉन को अपनी गलती का अंदाज़ा हो जाता है। वो दौड़ कर आता है और गायल को वहाँ से दूर करता है और कहता है कि तुम उसे दूर हो जाओ। तो गायल बोलता है कि तुम भी तो यही चाहते थे ना कि तुम्हें पिक्चर्स मिल जाए, तुम्हें पिक्चर्स मिल जाएंगे, मेरा काम भी हो जाएगा। तो जॉन को कहता है गायल कि तुम यहाँ से साइड हटो, पिक्चर्स क्लिक करो चुपचाप। तो जॉन जो है वो नहीं मानता है उसकी बात और उससे लड़ाई करने लग जाता है। इसी लड़ाई के बीच में जॉन जो है गायल को धक्का देता है और जिन्हा को वहाँ से उठाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जिन्हा प्रैक्टिस में बॉब से पूछ रही होती है कि मुझे कल रात का कुछ भी याद नहीं है, मुझे घर कौन लेकर आया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो बॉब उससे कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या? जॉन तुम्हें लेकर आया था, तुम्हें इतना भी होश नहीं है कि तुम्हें घर कौन लेकर आया था? उसके बाद बॉब उससे कहता है कि जिराड को अगर ये बात पता पड़ गई ना कि तुम किसी लड़की के यहाँ बाहर थी, तो वो जितना थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट तुम पर है ना, वो भी हटा देगा वो वहाँ से। तो जिन्हा यही सब सोच रही होती है, पर उतने में जिराड की कॉल आती है और वो जिन्हा को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए इन्वाइट करता है, और मतलब नॉर्मली इन्वाइट करता है। तो जिन्हा काफ़ी ज़्यादा खुश होकर डांस करने लग जाती है कि मतलब इसका मतलब जिराड को कुछ भी पता नहीं पड़ा है। फिर हम देखते हैं कि जिन्हा और जिराड एक क्लब में गए हुए होते हैं, जहाँ पर जिन्हा बातों ही बातों में जिराड से पूछती है कि तुम लेक टेम्पल के उस मिथ पे बिलीव करते हो क्या, जो कहता है कि दो कपल अगर साथ में वहाँ पर गए हुए होते हैं तो उनकी शादी ही होती है, और अगर दो प्यार करने वाले वहाँ पर साथ में गए होते हैं तो वो कपल बन जाते हैं। तो जिराड बोलता है कि हाँ थोड़ा बहुत बिलीव करता हूँ। फिर वो जिन्हा से पूछता है कि तुम क्या बिलीव करती हो? तो जिन्हा बोलती है कि मेरे लिए जगह मैटर नहीं करती है, अगर दो लोग एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स रखते हैं तो। और ऐसा बोलने के बाद वो दोनों कुछ ऐसा करने ही वाले होते हैं कि म्यूजिक लाउड हो जाता है। उसके बाद फिर जिराड जिन्हा से पूछता है कि हम डांस कर सकते हैं क्या? तो जिन्हा उससे बोलती है कि हाँ चलो हम डांस करते हैं। फिर वो दोनों साथ में डांस करने लगते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें जॉन और यू का सीन दिखाया जाता है, जो रात को स्कूल में बैठकर कुछ जला रहे होते हैं। यू नोटिस करता है कि जॉन ने उसका SD कार्ड ही जला दिया, तो वो उससे कहता है कि तुमने जला क्यों दिया, हम पिक्चर्स को डिलीट भी तो कर सकते थे ना। तो जॉन बोलता है कि डिलीटेड पिक्चर्स रिस्टोर हो जाती हैं, पर अगर हम SD कार्ड को जला देंगे तो पिक्चर्स वापस नहीं आ पाएंगी। तो यू उससे कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम जिन्हा को पसंद करते हो कि नहीं करते हो। तो इतना कहते ही जॉन थोड़ा सा स्माइल करने लगता है। वहां पर डायरेक्टर भी इन दोनों को नोटिस कर लेता है और उन्हें चिल्लाते चिल्लाते बोलता है कि तुम क्या जला रहे हो स्कूल में रात के टाइम पे, तुम लोग यहाँ पे क्या जला रहे हो? ऐसा बोलते बोलते उनके पास टॉर्च लेकर जाता है और जॉन और यू वहां से भाग जाते हैं। तो यहां पर एपिसोड 5 एंड हो जाता है। एपिसोड 6 के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर गाइस, और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।